अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे बार्ली सूप यानी जौ का सूप वेजिटेबल के साथ। जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो डालिए, जो हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो भी आपको पसंद हो। सूप बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें हम तेल को डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आप घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन डालना ज़रूरी है क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़िया रहता है। जौ को हमने उबाला नहीं है, ज़्यादातर लोग बॉयल ही करते हैं लेकिन हमने नहीं बॉयल किया है, हमने रात भर के लिए भिगो दिया था, फिर हम इसको बना रहे हैं। लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम अदरक डाल देंगे और थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। तो चलिए ये सब हो गया है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और फिर अब हम गाजर डाल देंगे। गाजर के साथ में गोभी डाल देंगे। गाजर को हमें पहले ही डालना है क्योंकि गाजर जल्दी नहीं गलती है। फिर हम गाजर और गोभी को फ्राई करेंगे। आप सब्ज़ियाँ कम या ज़्यादा अपने हिसाब से पकाएं, हमें ज़्यादा पकी हुई पसंद है इसलिए हम ज़्यादा पकाते हैं। और फिर हम बीन्स डाल देंगे। सब्जियों को हमने पहले से काट के रख लिया था रात में ही, इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे यानी कि हरा प्याज का पत्ता, दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में ही थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। एक छोटा सा हमने लिया है शिमला मिर्च, अगर शिमला मिर्च बड़ा है तो आधा ही डालिए। वन फोर्थ टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे और फिर हम सब्जियों को ढक देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे ढक के। सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं, अब इसमें हम डाल देंगे जौ, जो हमने बार्ली भिगो के रखा हुआ था वही डालेंगे और उसका स्टॉक भी डाल देंगे। पानी हम फेंकेंगे नहीं, हम वही डालेंगे और थोड़ा सा पानी कम पड़ेगा तो और भी डाल देंगे। हमने दो गिलास पानी डाला हुआ है। पानी डालकर हम थोड़ा सा पकाएंगे इसे, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। चाट मसाला हमें पहले नहीं डालना है, बार्ली डालने के बाद ही हमें डालना है। सूप हमारा बिल्कुल तैयार है, अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सूप को कितना गाढ़ा पतला रखना है आप अपने हिसाब से रखिएगा। जौ को हमने मिक्सी जार में एक से दो बार चला लिया था, थोड़ा छोटा टुकड़ा कर लिया था बिल्कुल दलिये की फॉर्म में। गाइस, अगर हमारी ये हेल्दी सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।